नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 1 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीति पार्टी ने सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। एनडीए में भाजपा लोजपा में फंसा है, तो वहीं महागठबंधन के अंदर गठजोड़ का बंधन कुछ कमजोर पड़ गया है। खैर, यह थी प्रदेश स्तर की बातें। इस बार के विधानसभा चुनाव में भागलपुर सीट को लेकर जो संशय अभी तक बना है, इस पर फैसला आते ही किसी न किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता बगावत की चाल जरूर चलेंगे, और यह बगावत पार्टी के हार का कारण भी बन सकता है, और यह बगावत एक बार फिर 2015 की यादें ताज़ा कर सकती है। भागलपुर नगर के विकास में उदासीनता और जीडीपी की तरह नेताओं की तेजी से गिरती लोकप्रियता को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी अब विधानसभा चुनाव की रणभूमि में उतरने की तैयारी में हैं। बरसों से समाज की सेवा करते आ रहे और कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद आज भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, अचानक से चुनाव से पहले ही आपको जो है कांग्रेस कमेटी के जो पद पे थे, जिलाध्यक्ष के पद पे, उससे आपको हटा दिया गया, तो क्या अब भी आपको जो है पार्टी से जो है उम्मीदें बची हुई है, या फिर आप बगावती जेवर अपनाएंगे? हाँ, असल में हमारा हटने का कारण जो है वो कोई सेंटर की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि भागलपुर की पॉलिटिक्स ने हमें हटाया और उसकी जगह पर दूसरा कुछ ऐसा समझौता हुआ है या ऐसी कोई बात हुई है आपस में, जिसकी वजह से हमें रिप्लेस किया गया। सर, अगर देखा जाए तो अभी तक में भागलपुर के का जो राजनीति इतिहास रहा है और जो विकास हुआ है, इसमें सिर्फ वादे और दावे हुई हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो शहर में कितना विकास हुआ है, ये सभी के सामने है। इसकी वजह ये है कि हम जो कैंडिडेट चुनते हैं, उन्हें चुनते हैं या उन्हें देते हैं जिनका ज़मीन पर कोई काम नहीं है। ऊपर ऊपर वो लोग दिखते हैं और ऐसे लोगों को ही टिकट मिलता है जो लोग आगे पीछे करते हैं बड़े लीडरों के, और लीडर लोग भी वोट जो टिकट देते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को आगे ले जाने के लिए सपोर्टिंग पार्टी कैंडिडेट खड़ा करते हैं जो हमारे सपोर्ट करे। ये यानी कांग्रेस के प्रति कोई लॉयल नहीं है, कांग्रेस के की बात नहीं करते हैं, अपनी बात करते हैं, यानी पर्सनल पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि भागलपुर ज़िला है, भागलपुर में 7 विधानसभा है, लेकिन किसी तरह का बड़ा प्रोग्राम जो हमारे राष्ट्रीय लीडर आए हैं भागलपुर, तो उनको उनका प्रोग्राम कहलगांव में किया गया। यानी वो भाई आप भागलपुर में करें, सारा सेंट्रल आपका भागलपुर है, यहाँ से देहातों में या और विधानसभा में बातें जाएंगी, लेकिन वो सेंट्रलाइज कर गया कहलगांव, और वही आज तक होता रहा है। पिछले बार भी टिकट बंटवारे में यही हुआ, तीसरे उससे पहले भी हुआ। तो ये अपनी पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं, इसको ऊपर जो नेशनल पॉलिटिक्स करने वाले हैं बड़े लीडर, उनको ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो भी अब देखिए आप उसके बहुत आसान मिसाल आप देखेंगे कि एक तो हमारे कहलगांव में जो विधायक हैं वो सारा प्रोग्राम वहाँ ले जाते हैं, दूसरे यहाँ के विधायक जो है वो सारा प्रोग्राम अपने घर में करते हैं या कचहरी चौक पर धरना करते हैं, उससे आगे उनका कोई ये नहीं है, यानी वो घर से ही सारा काम है। उनके साथ घूमने फिरने वाले कौन लोग हैं? वही 8-10 लोग हैं, वो महिलाएं हैं। और अगर हम बात करेंगे कि हमारे एक और युवा कांग्रेसी जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहे हैं, तो उनका सारा प्रोग्राम उनके घर से होता है। कोई भी बड़ा लीडर आता है तो उसको ऐसा समझिए किडनैप कर लेते हैं ये लोग, और या तो अपने होटल में ठहराएंगे या फिर अपने यहाँ प्रोग्राम कराएंगे, अपने यहाँ फीता कटवाएंगे तो अपना ब्लड डोनेशन कराएंगे घर पर। अरे, इसके लिए इतना बड़ा कांग्रेस ऑफिस है, आप कांग्रेस को ना उठाइए, ऐसी सोच किसी की नहीं है। हम जब अध्यक्ष हुए तो हमने इस बात पर जोर दिया कि हमारा सारा प्रोग्राम, हालांकि इन सब के घर से बड़ा घर मेरा है, लेकिन हमने कांग्रेस को तरजीह दी, कांग्रेस ऑफिस को तरजीह दी, और हमने सारा प्रोग्राम वहीं किया। जो भी करेंगे यहीं करेंगे, जो भी मीटिंग होगी यहीं होगी, लेकिन ये लोग गड़बड़ सड़बड़ करते रहे। कोई आ रहा है तो उसको सीधे अपने घर लेके चले गए, वहीं से फिर वापस भी चले गए। तो इस तरह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के प्रति जो भी अभी इस वक्त
जाना पहचाना चेहरा आप समझ रहे हैं, वो सब रियल में कांग्रेस के प्रति कुछ नहीं है, बल्कि अपने प्रति सारी सियासत वो कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति कह सकते बस। हाँ, जो भी और बड़े लीडरों के पास पहुंच गए और उनके आगे पीछे किया और अपने ही आपको आगे रखा, कांग्रेस के लिए उनके पास कोई सुझाव नहीं है, कोई काम नहीं है, तो कैसे उनको आप इसको सर व्यक्तिगत फायदे की राजनीति भी कर सकते हैं। जरूर, पर्सनल इंटरेस्ट में राजनीति हो रही है। पार्टी के लिए? पार्टी के लिए कुछ नहीं है, जीरो। भाई आप हम कहते हैं कि हम अगर एक बार MLA बन जाएं तो हम ये चाहेंगे ना भाई हमारा पड़ोस का जो विधानसभा सीट है वो उसमें भी कांग्रेस आए, उस पर भी कांग्रेस आए। हमारे अध्यक्षता में एक भी BJP को सीट नहीं आई, अलायंस को आई, या तो कांग्रेस को आई, RJD को आई और नीतीश कुमार को आई, एक ही BJP की सीट नहीं आई। यानी एक यानी उदाहरण नहीं है, और इससे पहले आती रही है, दो सीट, एक सीट, तीन सीट आती रही है। अब देखें, अब नीतीश जी हट गए तो अब फिर मौका मिला, तो हमने तो इस बात की कोशिश की कि कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेसियों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने कई बार आवाज़ उठाई भी है पटना में बड़े लीडरों के सामने कि वहाँ 3 वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, वहीं सारे परिंदे जाके बैठते हैं। आप हमेशा पार्टी को लेकर चलने की बात? जरूर, आज तक हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन जहाँ तक ये होता है कि भाई देखिए, हम जिसके बीच में काम कर रहे हैं उनकी भी तो आशाएं होती हैं कि ये आदमी आगे जाना चाहिए। किसी ने हमसे कहा कि आप यहाँ क्या करें, आपको दिल्ली जाना चाहिए। तो भाई एक आदमी के अंदर अगर कुछ है, सलाहियत है और वो कुछ कर सकता है, यानी हम किसी का नुकसान तो नहीं, फ़ायदा ही पहुँचा सकते हैं। अब तक हमारे यहाँ हज़ारों दुकान हैं और हमने उन लोगों को दुकानें दी हैं जो किसी के यहाँ काम करते थे, स्टाफ थे, उनको हमने दुकानें दी हैं। बात जब दुकान की आती है सर, तो व्यवसाय से जुड़ा बातें हो जाए, और आप काफ़ी वर्षों से समाज में सक्रिय भी रहे हैं और समाज की सेवा करते आए हैं, तो फिर ये राजनीति की गलियों में कदम रखने का क्या मतलब होता है? देखिए, है क्या कि हमने जो महसूस किया वो ये महसूस किया कि आप देखें कि बिहार में ज़्यादातर ख़ास तौर से आपके जाति की राजनीति होती है। बिहार की राजनीति जाति से अछूती नहीं है, इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। और जब भी हम समीकरण देखते हैं तो यही सब नापतौल करते हैं, क्योंकि वर्ग मेरे पास है नहीं, ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे साथ हो जाएगा, इसको मिला लो, उसको मिला लो। अभी भी आप देख लें टिकट बंटवारे में क्या हो रहा है, जाति वाले को पकड़ रहे हैं, जाति वाला जाति वाले को पकड़ रहा है, ये सब गड़बड़ सबड़ है, इससे पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमने ये सोचा कि जो हमारी एक कम्युनिटी है, माइनॉरिटी जिसको हम कहते हैं, वो तो हाशिए पर है, उसका लोगों ने इस्तेमाल किया है, और इस तरह से हम जिस समाज में रहते हैं, हम मिली जुली समाज में रहते हैं, शाह मार्केट हमारा बिल्कुल बीच में है, और हमारा कोई एक यानी कट्टर कहिएगा कि वो नहीं है हमारा मिजाज, ना हमारे बाप दादा का रहा, हमेशा हम लोग सेकुलर रहे, आज़ादी की लड़ाई में हमारे फादर, ग्रैंडफादर सब लोग मौजूद थे, उन सब की कुर्बानी भी है, और फिर उसी चीज़ को हम निभाते चले आ रहे हैं कि हमने हमेशा सेकुलर की बात किया, सेकुलर के साथ हम हैं। जब हमारे फादर कमज़ोर हो गए, बीमार पड़ गए, और नियर अबाउट यानी डेथ के नियर अबाउट, यानी हमने फिर कांग्रेस को ज्वाइन किया, हमने एक्टिव किया कि भाई हम इतने बड़े एक समूह को जो तकरीबन यहाँ भागलपुर में 20 लाख की आबादी है, जिसमें हम 30% हैं, लेकिन उसकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है, लीडरशिप किसके पास है, तो हमको चाहिए था कि भाई हम कम से कम उन कमज़ोर गरीब लोगों पर हम कुछ कर सकें, कुछ लोगों को मदद पहुंचा सकें। पर्सनली हम मदद करते हैं, हम 100 लोगों को मदद करते हैं, अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर हम हज़ारों को कर सकते हैं, लाखों को कर सकते हैं मदद। तो हमारी सोच सिर्फ भागलपुर नहीं है, बल्कि पूरा भागलपुर ज़िला है, 7 विधानसभा है, ये हमारी सोच है कि हम एक मेहनत के अतबार से हर जात में कमज़ोर गरीब मौजूद हैं, लेबर क्लास मौजूद है, लेकिन उन सब के लिए हम भलाई सोचते हैं। इसलिए हमारे आप देखेंगे मार्केट हमारा मिसाल है कि हमारे यहाँ सभी जात बिरादरी के लोग रहते हैं और कारोबार करते हैं, आना जाना है, किसी तरह का किसी को डर भय और आशंका नहीं है।
हमारे एटीट्यूड से है। हमारे 1000 दुकान है, 1000 से ऊपर दुकान है, किसी से हमारा मुकदमा नहीं है। यानी आप देखिए कि लोग कहते हैं कि हमारे फादर कहते थे कि भाई दुकान पर मुकदमा करें, दादा वो भी कहते मुकदमा कर दिए, नहीं देता है किराया। तो कहा कि भाई वो जिस ज़मीन पर बैठ के बच्चों को पाल रहा है, बच्चों को तालीम दे रहा है, और वो किराया ना दे तो मेरी दुकान नहीं रख सकेगा, वो दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, और जब जाएगा तो सब दिन का किराया दे के जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा, हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे किसी को। तो उनकी सोच ये थी कि लोगों की भलाई हम कर रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे दुकानों में आप देखेंगे कि वहाँ सबलेट किराएदार भी है, बड़ी दुकान, उसने एक छोटा सा दुकान किसी को दे दिया है, मैकेनिक को घड़ी और इसके, तो हम नहीं शिकायत करते हैं ना, उसको भगाते हैं, चलो भाई इससे उसको भी रोजी रोटी मिल रही है। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जी, आप बरसों से समाज में सक्रिय रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि इस शाह मार्केट जो भागलपुर की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाए, और सभी तबके के लोग वहां पर हैं, अपने रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, और उस रोजगार से उनके परिवार का पेट भरता है, परिवार चलता है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस बात का फायदा उठाने के लिए भी तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। नहीं, फायदा नहीं उठाना है भाई, हमें तो लोगों को फायदा पहुंचाना है भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सियासत में तो हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, वो दबे हुए हैं। हमने तो हर जगह कांग्रेस के कोई भी लीडर आए उनसे अपनी बात पूरी करी है, खुद हमने जाके पटना में कही है, दिल्ली में कही है, और हमने अपनी बात रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम इससे भयभीत नहीं हैं कि हमको हमारे साथ क्या होगा, हालांकि हम मशहूर हो गए दिल्ली में भी, दिल्ली की जो टीम आई थी कि ये स्पष्ट प्रवक्ता हैं, स्पष्ट बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, यानी ढकी छुपी। जब राहुल जी भी यहाँ आए तो हमको हमारे साथ खड़े हुए लोगों ने कहा कि कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत बोलिएगा। हमने कह रहे हमको मौका मिला हम बोलेंगे नहीं। हमने उनसे बात किया, हाथ पकड़ लिया उनका, बात करने लगे, और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर आइए। राहुल जी ने कहा, कहलगांव के पिछले बार जो सदांशी के इलेक्शन में हम गए थे तो आप कहे आप वहाँ आइए। तो हमने कहा हम तो गए थे लेकिन कहाँ मुलाकात करने को मिला। कहा सर वो बताइए इनको कि हमारा घर हर वक्त खुला रहता है। तो ये फिर हम एक बार हमको बुलाया भी गया, सारे बिहार से सिर्फ दो अध्यक्ष बुलाए गए, उसमें हम भी थे, और हर स्टेट से दो दो अध्यक्ष बुलाए गए थे, और वहाँ मीटिंग हुई। 3 मिनट बोलना था, हम 9 मिनट बोले, और हमसे कुछ सवालात भी हुए कि आप ये बताइए कांग्रेस के बारे में क्या जानते हैं, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे। हमने कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान को, और एक ऐसी चीज़ भी दिया है जो किसी ने नहीं दिया है, वो अपने पिता के निछावर, संतान को निछावर करना, दादी को निछावर करना। अरे भाई आप हमें, हमारा कोई अगर सियासत में लग कर शहीद हो जाएगा तो सारा ख़ानदान वाला सियासत से मुंह मोड़ लेगा, लेकिन वही उन लोगों का दिल और गुर्दा है कि माँ की शहादत के बाद भी कांग्रेस में बने रहे, कि कांग्रेस ना बिखर जाए, हिंदुस्तान पर नुकसान ना हो जाए। उसी के बाद आपके राजीव जी की शहादत, उसके बाद भी राहुल जी सामने हैं, सीना सिपर हैं, जैसे सीना खोले हुए हैं, इतनी सब कुछ होने के बाद वो, तो आप देखिए उनके उनकी कुर्बानी जो है उसमें सवाल हुआ। फिर हमने हमसे उन्होंने एक सवाल किया बहुत अहम, कि हम शहर में क्यों हार जाते हैं, सिटी में हम क्यों हारते हैं। तो हमने एक जुमला कहा कि हम सिटी में कैंडिडेट जो देते हैं वो देहात का देते हैं, लत्तीपुर का दे रहे हैं, तो शाहकुंड का दे रहे हैं, तो उस पार का दे रहे हैं, अरे आप शहर का दीजिए, और उन सीटों को जो शहर की सीटें हैं उसको आप तय कीजिए। राहुल जी आपके कलम से वो डिसाइड होना चाहिए। अरे भाई कितना शहर होगा, 38 जिला 38 शहर, 342 43 सीट में से कितनी सी सीट है शहर की, उसको आप तय करें सारा छान पटक करके। ये मैंने उनको कहा, हमसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी हुए, और 9 मिनट हुए, उसके बाद बोले कि सज्जाद जी आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। फिर हमने एक सुझाव दिया उनको, और इमीडिएट उन्होंने माना। हमने कहा ये आज आप मीटिंग कर रहे हैं हमारी, आपने बुलाया है सबको, लेकिन इससे नहीं होगा कोई फ़ायदा आपको, ये मीटिंग बार बार होनी चाहिए, अध्यक्षों को बुला कर आप फीडबैक लीजिए, और ये 3 या 4 महीने में एक बार होना चाहिए। तो फ़ौरन सबसे पूछा उन्होंने, सब लोग बताइए 3 या 4 3 या 4, तो फिर 3 महीने पर फाइनल हो गया मेरे कहने पर कि भाई इस, हाँ फौरन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। राजनीति सर जो है विचारों की लड़ाई है,
और इसको जो है हम मनभेद कह सकते हैं, लेकिन अभी की जो राजनीति है मतभेद में तब्दील हो गई है। देखिए, जब आदमी कोई अपने लिए राजनीति करेगा तो बहुत सारी बातें उसको बुरी लगेगी, उस पर रिएक्शन भी करेगा, लेकिन वो किसी और के लिए कर रहा है तो उसको कुछ भी कहिए। पार्टी के लिए अगर कुछ कर रहा है और उस पर उसको गाली दी जा रही है तो सहन करेगा वो कि हम असल तो पार्टी के लिए हैं और असल हम ही के लिए हमारी इज्जत को उछालेगा तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो लोग इसी से पता चलता है कि लोग अपने लिए कर रहे हैं तभी ना किसी की सुनते नहीं हैं कि मेरा क्या करेगा, ये मेरा क्या नुकसान करेगा, हम तो हैं ही राजा। लेकिन आप पार्टी के लिए कर रहे हैं तो सब आपको सहन करना पड़ेगा, पार्टी को आपको आगे ले जाना है, आपको सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। भागलपुर से अगर सर आप निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये लड़ाई अजीत शर्मा और आपके बीच हो जाएगी? देखिए, अजीत शर्मा ने जो किया 2 साल, हम ही लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, हम ही उसके साथ चले थे, सबसे आगे रहते थे, हमें गाड़ी बैठा के लेके जाता था वो, क्योंकि बड़ी आबादी है यहाँ, 92,000 माइनॉरिटी है, 92,000, और जो रिकॉर्ड हमने देखा है तो वार्ड के इलेक्शन में 60,000 पोलिंग हुआ है माइनॉरिटी का, और विधानसभा में 50,000 पोलिंग हुआ है। ये अच्छी बात ही है, लेकिन हम सब वो पार्टी को देना है और बीजेपी को हराना है, ये सब स्लोगन देकर के हमारा वोट कैश कर लेते हैं, लेकिन आखिर हमारा भी तो वक्त आएगा एक दिन कि हम वोट देंगे, कि वोट के बाद का जो सीनियरियो है वो क्लियर होना चाहिए, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, हमारे गरीब कमज़ोर की का भी फ़ायदा हो। हम जब आपके को जिताने में साथ हैं तो जब बटेगा माल या कोई चीज़, नाली बनेगी, मोरी होगी, स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा या किसी नौकरी मिलेगी तो हमारा भी तो हिस्सा इसमें हो, लेकिन ये बोलने वाला कौन है? अगर सब लोग पट्टा लगा लेंगे पार्टी का तो उसी के अधीन हो गए, और पार्टी भी आजकल देख लीजिए जितनी पार्टी चल रही है वो वन मैन शो है, कोई भी चीज़ सबके मशवरे से नहीं चल रही है, एक आदमी के फैसले चल रही है, वो जो चाहेगा वही करेगा, जिस पार्टी में देख ले, वो इससे पार्टी चलेगी नहीं। ये सब तो चंद दिन 15 साल एक चला के चले गए, इतना पावर मिला, अभी 15 साल इन्होंने चलाया खींच खाँच के, तो ये भी अब जाने वाले हैं। तो आखिर और जो भी लाइन में है वो भी उतना मुल्क के लिए संजीदा नहीं है, अगर मुल्क के लिए संजीदा नहीं रहेगा तो गलत ताकतें ही वो कब्जा करेंगी। बहरहाल सर, मुल्क की बातों को थोड़ा दरकिनार करते हुए अपने शहर की बात करते हैं, शहर के लिए संजीदा कौन लग रहे हैं आपको, या फिर आप खुद को तैयार रखे हुए हैं? देखिए, जब रेस होती है तो उसमें पता चलता है कि अव्वल कौन आएगा, रेस तो करना ही पड़ेगा, दौड़ में तो हिस्सा लेना पड़ेगा, इसलिए किसी ने कहा है कि ओलंपिक में मेडल लेना कोई कमाल नहीं है बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना कमाल है, यानी हम उस दौड़ में हों तब ना समझ में आएगा लोगों के क्या काम है। एक आदमी को हमने छोड़ दिया, अब 9 टर्म जीत गया और चले जाइए कहलगांव, ज़रा आपको 4 घंटा लगेगा 32 किलोमीटर जाने में, तो हम तो कहते हैं कि 2 बार जो जीत जाए उसको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, और 2 बार जो हार जाए उसको तो मिलना ही चाहिए, नहीं चाहिए, दूसरे का नंबर आएगा। हम रिटायर क्यों करते हैं कमिश्नर को, IG को, DIG को, जज को, कि अब उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रही, यहाँ 70 साल, 80 साल, 75 साल हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, फिर भी टिकट चाहिए। अच्छा, उसी के तहत अब उसके औलाद को चाहिए, बाप के नाम पर चीफ मिनिस्टर चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो ऐसे ना स्टेट भल को फ़ायदा होगा ना हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। भागलपुर में भी अगर यही करेंगे तो इससे भागलपुर का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, पब्लिक को ये तय करना है। पार्टियाँ तो अपनी अपने कैंडिडेट को खड़ा, पब्लिक को तय करना मेरे लिए बेटर कौन होगा, क्योंकि लीडर के लिए सबसे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि वो वोकल होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम को रखने वाला होना चाहिए, बोलने वाला होगा तो वो आगे बढ़ सकता है। आप पब्लिक के से बीच में जा रहे हैं, पब्लिक को कैसे समझाएंगे, मसले को कैसे समझाएंगे, और ऐसी ज़बान बोलिए जो आसान ज़बान हो, जो उसको समझ में आए, आसान भाषा में समझा सकें आप।
आखिरी सवाल होगा सर कि पहले तो ये आप क्लियर कर दीजिए कि निर्दलीय के रूप में आप चुनावी मैदान में, और दूसरी बात कि भागलपुर शहर की जो आवाम है बहुत सारी ऐसे जगह व्यक्तिगत रूप से आपसे लोग परिचित हैं, और खासकर शहर में शहर की जो आवाम है वो तो भली भांति आपसे परिचित हैं, तो उनसे अपील क्या रहेगी और आप ये चीज़ को क्लियर करें कि चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में आप कदम रख रहे हैं। ज़रूर, हमारा ये फैसला है, ये पहले ही फैसला मैंने कर लिया था कि हमको कांग्रेस से टिकट चाहिए, और हमने दो जगह का दावा किया था, भागलपुर और नाथनगर, क्योंकि वो बिल्कुल सटा हुआ है और लोगों की रिश्तेदारी वगैरह रहना सहना बहुत सारे महल्ले हमारे सटे हुए हैं, तो हमने दोनों जगह की बात किया था, और यही उम्मीद हमको है, 50-50 उम्मीद है कि भाई टिकट, और ये भी था कि भाई जब हम कहीं जाते हैं किसी के पास पैरवी करने के लिए या बायोडाटा देने के लिए, तो वहाँ तो सिटिंग है, वहाँ तो सिटिंग है, हमका सिटिंग है, लेकिन साल भर से दो साल से वो जो है वो हमेशा पर तोलता रहा है उड़ने के लिए, दूसरे पेड़ पर जाने के लिए, ये सबको मालूम है, वो JDU में जाने के लिए हमेशा कोशिश किया, लालन जी की वजह से वो आते रहे हैं, उनके यहाँ ठहरते रहे हैं, उनसे बहुत अच्छा संबंध उनका है, तो ये सोचता रहा है कि हम, ये सही है कि भाई एक आदमी रूलिंग पार्टी में हो तो उसको ज़्यादा काम मिलता है, उसको ज़्यादा फंड मिलता है, मतलब एक जो है विपक्ष में बैठा हुआ है, तो इस एतबार से उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि हम उसमें शिफ्ट करें। तो एक पॉइंट तो ये बनता है कि अगर वो शिफ्ट करते हैं तो, हमने तभी कहा कि अगर वो शिफ्ट करते हैं तो आप उनको जो है हमें मिलना चाहिए उसकी जगह पर, या फिर इन कारणों से कि भाई वो दूसरी जगह जा रहे थे इसलिए उसका टिकट कटे, कांग्रेस काटे, तो हमको मिलना चाहिए। ये भी हमने कहा अध्यक्ष से कि भाई कहीं तीसरे को ना मिल जाए, मेहनत हमारी हो, मिठाई कोई और खाए। सर, जिस पार्टी के आप पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उस पार्टी के विधायक हैं अभी वर्तमान में, तो आपकी नज़रों में शहर का विकास कितना हुआ है? देखिए, विकास के लिए जो चीज़ें लोगों ने जो पॉइंट आउट किया, जो जिससे लोग जूझ रहे हैं, जैसे वो आपका एक ब्रिज है ना यहाँ भोलानाथ पुल में, वो एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी दिनों से परेशान कुन है आपके, वही प्रॉब्लम था आपके शाहजंगी में मुस्लिम स्कूल के आगे जो उस पार जाने के रास्ते में, जिसको शाहनवाज जी ने आकर के बनवाया, और काफ़ी शाहनवाज जी से लोग खुश भी हुए, उनको जिताया भी, तो ये पुल भी एक समझिए कि किसी को जिताएगा, ये बात मान के रखिए किसी को जिताएगा। लेकिन सर, बात यहाँ पे ये आती है कि जीतने से पहले उसको कौन बनाएगा? अभी तो कोई कर ही नहीं सकता है, अभी तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ वादा ज़रूर हम कर सकते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो मैं प्रायोरिटी दूंगा उसको, भोलानाथ पुल को, क्योंकि उससे एक बड़ी आबादी जो उस तरफ रहती है, दक्षिण क्षेत्र की जो आबादी, हाँ उसको जोड़ने के लिए वो एक प्रॉब्लम। दूसरा, ये जो हमारी आबादी है, ये क्या नाम है इसकी, बाज़ार में जो भीड़ लगती है, जाम के लिए हमने IG से ही बात किया था कि भाई इसमें क्यों नहीं आप टेम्पुओं को रोके, कहाँ पर, जो भागलपुर से बाहर का एरिया है, शहर में सिटी में अलग कलर का टेम्पो चलना चाहिए, पिंक कलर हो, सीमित संख्या में जो वहाँ की आबादी हो, जैसे चंपानगर के उस पार जो है वो नाथनगर शुरू हो गया, चंपानाला के उस पार से जो टेम्पो शहर आएगा वो चंपानगर तक जाएगा, और इधर आपको अलीगंज है, इधर आपको गोरट्टा चौक, ये जो 0 माइल है, इस बीच में शहर है, इसमें कोई एक कलर का टेम्पो चलना चाहिए। 7,000 टेम्पो है भागलपुर में, बताइए, हर आदमी पहले जाता था, टेम्पो भरेगा तब छूटेगा, हम लोग भी पहले शुरू में नाथनगर टेम्पो से जाते थे, तो भरेगा तब चलेगा, आज ये कि पीछे खाली रहता है, 3 सीट 4 सीट आगे बैठा के चल देता है, कोई पीछे बैठने को तैयार नहीं, यानी आप सोच लीजिए 2 आदमी के हिसाब से कम 2-3 हज़ार टेम्पो ज़्यादा चल रहा है, और कितना कमाते हैं देख जान लीजिए। तो ऐसे में ये एक मैंने सुझाव उनको दिया, तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि लिखा हुआ उसमें टेम्पो में लिखा हुआ है स्टेशन से ये सबौर, स्टेशन से फरा, क्यों घोगा का टेम्पो स्टेशन आ रहा है, क्यों जो है शाहकुंड का टेम्पो स्टेशन आ रहा है, इसको वहीं रोकना चाहिए, बहुत सारे लोग पैदल चले आएंगे, तो ये हमने एक सुझाव दिया। तीसरी चीज़ जो यहाँ समझिए कि हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा किया है, और एक बड़ा हॉस्पिटल 300 बेड का बनने जा रहा है, वो करीब उसका शिलान्यास हो जाएगा, ये हमने शहर में ही रखा है,
ये इसाक चक वगैरह के क्षेत्र में वहाँ बुनियाद पड़ने वाली है उसकी। 300 बेड बहुत बड़ा होता है, यानी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। एक ग्रुप है उसमें, हम भी हैं, हम भी हिस्सेदार हैं उसमें। तो ये एक उसका है। और सेंट्रल स्कूल भागलपुर में नहीं है, गवर्नमेंट का एक बड़ा स्कूल है सेंट्रल स्कूल, वो नहीं है। उसकी शाखा भी आनी चाहिए भागलपुर में, ज़िले के अतबार से। शहर के अतबार से तो ये जाम है, और ये आपका जो है भोलानाथ पुल है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों की परेशानी है। मुख्यतः समस्या शहर की सर तो इतनी है, भोलानाथ पुल, जाम की समस्या, और एक हवाई सेवा जो है। हवाई सेवा देखिए इसलिए आसान नहीं है, लोग बोल देते हैं कि उसमें पट्टी जो है ना, हवाई पट्टी, ये तो आपके सरकारी हवाई जहाज या फिर बहुत इमरजेंसी काम के लिए एक बनाया गया था, ये पहले शहर से बाहर था। आपको अब फ्लाइट जो रोज़ाना आए, दो चार दस फ्लाइटें आए फिर उड़े हैं, उसमें पब्लिक का आना जाना, सवारी, इसको तो थोड़ा दूर होना चाहिए। यानी आप भागलपुर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये जो आपका इलाका है बांका वाला, बांका भागलीपुर से कटा है, तो बांका में बहुत ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ इसको अगर कर दें वहाँ तो अच्छा रहेगा। शहर जो जाम होता जा रहा है उसके लिए उससे थोड़ी सी उसको राहत मिलेगी, वो हिस्सा है। इधर तो आपको दरिया है कहलगांव में, अच्छा लोग अप्रोच करके अपने इलाके में कर देते हैं, वो मालूम है डूब गया, हवाई अड्डा डूब गया, अब दो महीना चलेगा ही नहीं जहाज़, तो ऐसा खोलना क्या खोलना है। अगर आप बांका में देखिएगा, बाढ़ उड़ नहीं आता है, बांका बेस्ट जगह है, बांका जो सूखा इलाका है, और वहाँ के लोग भी यहाँ की तरह नहीं है, फैल फैल के रहते हैं, यानी बहुत गुंजान नहीं है, नहीं है। हाँ, ऑन वे होगा देवघर का, और वो भी समझिए कि कई ज़िले का वो सेंटर हो जाएगा बांका को अगर हम डेवलप करें, और वहाँ सोर्सेज हैं डेवलप के। भागलपुर में तो एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ जो है वो गंगा ही का असर है, आपके ये कहलगांव तक घोघा वगैरह सब रोड वोड सब ख़राब है, साहिबगंज वगैरह सब, तो इस तरह आप देखेंगे कि प्रॉब्लम है। लेकिन सियासत के अतबार से आप देखें कि यहाँ हमने इसीलिए मन बनाया है कि भाई अगर कांग्रेस टिकट देती है तो ज़रूर हम लड़ेंगे, और दमखम के साथ लड़ेंगे, और हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमेशा हमने जो रोल अदा किया है वो एक सेकुलर का रोल अदा किया है, और सेकुलर की ज़रूरत भी है यहाँ भागलपुर में। एक सेकुलर लीडर होना चाहिए जो सबकी भलाई सोचे, हर ज़ात बिरादरी के बारे में सोचे, हर गरीब कमज़ोर के बारे में सोचे, और इसको आगे ले जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। और हमारे साथ भागलपुर के कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद शाह सज्जाद थे। और मैं भी चाहूँगा कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी निभाएं। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है तो विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, विशेष सावधानी बरतते हुए आप अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाएँ और अपने मतों का प्रयोग करें। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरे के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये बातचीत देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।